हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे पाइपिंग नॉट और स्क्वायर नॉट को यूज़ करके सुंदर सा फ्लावर पॉट बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच का मेटल का स्टैंड लिया है और 2.5 मीटर का 20 पीस कॉर्ड लिया है। फ्रेंड्स, कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लेना है और इस तरह से मेटल के स्टैंड पे फिक्स करना है। पूरे 20 पीस कॉर्ड को इसी तरह मेटल के स्टैंड पे फिक्स करके लेना है। फ्रेंड्स, मैंने सभी कॉर्ड को स्टैंड पे फिक्स करके ले लिया है। अब यहाँ पे 1.5 मीटर के हिसाब से ब्लैक कलर का 9 पीस कॉर्ड ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ब्लैक कलर का कॉर्ड लेना है और इस तरह से येलो कलर कॉर्ड के पीछे की तरफ से, यानी स्टैंड के अंदर की तरफ से इस तरह से जलाकर स्टिक कर देना है। किसी भी एक कॉर्ड के पीछे इस तरह से स्टिक करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो कॉर्ड होगा, ब्लैक कलर कॉर्ड के साइड में जो कॉर्ड होगा फ्रेंड्स, उस कॉर्ड से ब्लैक कलर कॉर्ड पे इस तरह से पाइपिंग करना है। देखिए, सिंपल सा पाइपिंग है फ्रेंड्स। सिंगल कॉर्ड से 2 टाइम रैप करने से पाइपिंग बन जाएगा। इसी तरह ब्लैक कलर कॉर्ड पे नेक्स्ट कॉर्ड से पाइपिंग करना है। पाइपिंग करते वक्त स्टैंड पे जो फिक्स किया हुआ कॉर्ड है उसे थोड़ा सा खींचते हुए टाइट करके ही नॉट डालना है। फ्रेंड्स, येलो कलर कॉर्ड से ब्लैक कलर कॉर्ड पे इसी तरह पाइपिंग करते हुए पूरा 1 राउंड पाइपिंग कंप्लीट करके लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप इसे बनाइए। फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, पूरा एक बार देख लीजिए। ये फ्लावर पॉट बहुत ही ईजी भी है और सिंपल भी है। फ्रेंड्स, हर बार पाइपिंग नॉट डालते वक्त स्टैंड पे फिक्स किया जो कॉर्ड है उसे खींचते हुए थोड़ा सा टाइट करके लीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद ही नॉट डालिए। स्टैंड पे कॉर्ड ठीक से टाइट नहीं हुआ तो फ्लावर पॉट भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। फ्रेंड्स, उसका शेप भी टेढ़ा हो सकता है। कुछ नया सीखते वक्त ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे येलो कलर कॉर्ड से पाइपिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। 1 राउंड पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद इस तरह से जेंटली पुश करते हुए बाहर की तरफ लेना है कॉर्ड को। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए फ्रेंड्स, उसी ब्लैक कलर कॉर्ड को येलो कलर कॉर्ड के नीचे से लेना है इस तरह से, और येलो कलर कॉर्ड पे जिस नेक्स्ट वाला जो येलो कलर कॉर्ड होगा उस पर ब्लैक कलर कॉर्ड से पाइपिंग करना है। फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड पाइपिंग करते वक्त बिल्कुल खींचते हुए नॉट को टाइट करते हुए पाइपिंग नहीं करना है, याद रखें, क्योंकि पूरा पाइपिंग करने के बाद बॉल अंदर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक कलर कॉर्ड से एक बार पाइपिंग नॉट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वाला जो कॉर्ड है येलो कलर का उस पर फिर से और एक पाइपिंग करके लेना है, पाइपिंग नॉट डाल के लेना है। फ्रेंड्स, ब्लैक कलर कॉर्ड से 2 पाइपिंग नॉट डाल के कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे ब्लैक कलर कॉर्ड पे येलो कलर कॉर्ड से एक पाइपिंग करना है, एक पाइपिंग नॉट डालना है। फ्रेंड्स, येलो कलर कॉर्ड से एक पाइपिंग नॉट डालने के बाद नेक्स्ट 2 कॉर्ड में फिर से ब्लैक कलर कॉर्ड से पाइपिंग करना है। पाइपिंग नॉट डालते वक्त बिल्कुल धीरे से पाइपिंग नॉट डालना है। फ्रेंड्स, खींचते हुए टाइटली नॉट नहीं डालना है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे धीरे से नॉट डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। 2 टाइम ब्लैक कलर कॉर्ड से पाइपिंग नॉट डालने के बाद 1 टाइम येलो कलर कॉर्ड से पाइपिंग नॉट डालना है। ऐसे ही कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स, पूरा 1 राउंड। फ्रेंड्स, अगर आप इस फ्लावर पॉट को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को कहीं भी स्किप न कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है, बहुत ही बारीकी बातें होती है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है इस फ्लावर पॉट को बनाना चाहते हैं तो मैं उस छोटी छोटी बातों को भी यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ बताऊँगी, तो आपको हर चीज़ को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि नॉट ज़्यादा टाइट नहीं करना है, पाइपिंग नॉट जो है हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइटली नॉट नहीं डालना है, आराम से धीरे से डालना है, क्योंकि नॉट टाइट हो गया तो ये फ्लावर पॉट नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में 2 येलो कलर का कॉर्ड रह जाता है, तो उस दोनों येलो कलर कॉर्ड से ब्लैक कलर कॉर्ड पे पाइपिंग कर देना है। मेरे यहाँ पे पूरा 1 राउंड येलो कलर कॉर्ड से और ब्लैक कलर कॉर्ड से रैप करते हुए कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट का जो येलो कलर का कॉर्ड होगा उससे यहाँ पे पाइपिंग करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 राउंड पाइपिंग नॉट कंप्लीट करने के बाद इस तरह से पुश करके लेना है बाहर की तरफ नॉट को, नहीं तो बॉल अंदर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए, नेक्स्ट का येलो कलर का कॉर्ड लेना है और सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है। एक कॉर्ड के बाद एक कॉर्ड येलो कलर का लेना है और पूरे 1 राउंड येलो कलर कॉर्ड से ही पाइपिंग करके कंप्लीट करके लेना है।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का जो कॉर्ड है वो खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1.5 मीटर का और एक कॉर्ड ले रही हूँ। कॉर्ड को जलाना है और इस तरह से दोनों कॉर्ड को ज्वाइंट करके लेना है और सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स हर बार कॉर्ड खत्म होते ही कॉर्ड को ज्वाइंट करके लेना है और सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है। ब्लैक कलर कॉर्ड को बार बार ज्वाइंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स 1.5 मीटर का। मैंने यहाँ पे पूरा एक राउंड येलो कलर कॉर्ड से पाइपिंग करते हुए कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉर्ड में ब्लैक कलर कॉर्ड से पाइपिंग करना है। दो नॉट इसी तरह ब्लैक कलर कॉर्ड से डालना है। फ्रेंड्स अगर आप नीचे का हिस्सा राउंड शेप में चाहते हैं तो हर एक राउंड के बाद उसमें बॉल डालकर प्रेस करके लीजिए, तब जाकर ये राउंड शेप में बनेगा। मैं यहाँ पे ओवल शेप में ले रही हूँ फ्रेंड्स, ओवल शेप में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बॉल डालकर प्रेस करके नहीं ले रही हूँ। हर एक राउंड पाइपिंग नॉट डाल के कंप्लीट करने के बाद बॉल डालना है और प्रेस करना है, तब ये नॉट जो है बाहर की तरफ जाएगा फ्रेंड्स और आपको फ्लावर पॉट अच्छे से शेप भी आ जाएगा। दो ब्लैक कलर पाइपिंग नॉट डाल के कंप्लीट करने के बाद एक येलो कलर कॉर्ड से पाइपिंग नॉट डालना है, फिर से दो ब्लैक कलर कॉर्ड से पाइपिंग नॉट डालना है। इसी तरह पूरा एक राउंड पाइपिंग नॉट डालते हुए कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे और एक राउंड ब्लैक कलर कॉर्ड से और येलो कलर कॉर्ड से पाइपिंग करते हुए कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए येलो कलर कॉर्ड से ब्लैक कलर कॉर्ड पे पाइपिंग करना है। सिर्फ येलो कलर कॉर्ड से ही पाइपिंग करना है, नॉट ज़्यादा टाइट नहीं डालना है फ्रेंड्स, बिल्कुल धीरे से डालना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ओवल शेप में बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा प्रेस करके ले रही हूँ बाहर की तरफ इस तरह से। अगर आप राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो बॉल डालकर ही प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से बाहर की तरफ नॉट को पुश करते हुए प्रेस करना है। येलो कलर कॉर्ड से सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है। देखिए इस तरह से प्रेस किया तो भी चलेगा फ्रेंड्स, और उसके बाद सेम नॉट कंटिन्यू करना है। एक राउंड के बाद एक राउंड इसी तरह पाइपिंग करना है फ्रेंड्स। देखिए हर राउंड पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद एक बार बॉल को डालकर प्रेस करके लेना है और उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए पाइपिंग कंटिन्यू करना है। सेम पाइपिंग करना है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में उसी तरह पाइपिंग करना है। हर राउंड के बाद एक बार बॉल डालकर प्रेस करना है और सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मीडियम साइज का बॉल ले रही हूँ, बॉल को मैंने होल करके लिया है। बॉल को लाइटर से जलाना है और उसके बाद एक होल करके बॉल को कट कर देना है फ्रेंड्स। बॉल मेल्ट हो जाएगा गर्म होते ही, तो आप आराम से कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इस फ्लावर पॉट को ओवल शेप में बनाना चाहती हूँ, इसलिए बीच बीच में मैंने बॉल से प्रेस नहीं किया है। अगर आप राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बॉल को प्रेस करते हुए बनाइए, इससे आराम से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, इजीली आप बना पाओगे। आप पहले बार बना रहे तो राउंड शेप में ही बनाइए फ्रेंड्स इसे। देखिए हाफ बॉल होने तक सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है अभी, क्योंकि ये ओवल शेप में बना रही हूँ तो यहाँ तक मुझे पाइपिंग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे हाफ बॉल तक पाइपिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे बॉल डालकर देखती हूँ, बॉल टाइट से बैठता है तो बॉल डालकर ही पाइपिंग कंटिन्यू करना है, अगर बॉल ठीक से नहीं बैठता है तो ऐसा पाइपिंग करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे बॉल जो है ठीक से बैठ रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे बॉल डालने के बाद पाइपिंग नॉट जो है बहुत ही टाइटली नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे से पाइपिंग नॉट डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि बॉल डालने के बाद पाइपिंग नॉट टाइट हो जाता है तो बॉल जो है बाहर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए बिल्कुल धीरे से पाइपिंग नॉट डालना है। अब यहाँ पे सेम नॉट कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे बॉल जो है ठीक से बैठ चुका है,
टोटल 12 राउंड के बाद मैंने पाइपिंग नॉट जो है टाइटली डाला है, क्योंकि बर्ड ठीक से बैठ चुका था, अंदर जा चुका था फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आपको टाइटली पाइपिंग नॉट डालना है, क्योंकि बॉल कहीं भी हिलना नहीं चाहिए, तो हमें बॉल ठीक से बैठने के बाद टाइटली पाइपिंग नॉट डालना है। ये राउंड्स जो है फ्रेंड्स पाइपिंग नॉट का, ये डिपेंड ऑन बॉल, आप किस साइज़ का बॉल ले रहे हैं उस पर डिपेंड रहता है। मैंने यहाँ पे जितना राउंड पाइपिंग किया है उतना राउंड ही आपको पाइपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बॉल को देखकर पाइपिंग करना है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे बॉल के बदले में डिब्बा भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ शेप चेंज आएगा फ्रेंड्स और कुछ नहीं होगा। ये जो मैंने बॉल लिया है फ्रेंड्स मीडियम साइज़ का है और 30 रुपीज़ में मिलता है ये। अगर आप ये नीचे का हिस्सा जो है राउंड शेप में बना रहे तो इतना पूरा पाइपिंग नॉट डालने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, कम नॉट में ही कम राउंड्स में ही ये फिलअप हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार फ्लावर पॉट बना रहे तो इसे आप राउंड शेप में ही बना लीजिए फ्रेंड्स। हर एक राउंड में पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद बॉल डालकर प्रेस करके उसके बाद फिर से पाइपिंग नॉट कंटिन्यू कीजिए। हर राउंड के बीच में एक एक बार बॉल डालकर प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। इसी तरह पूरा बॉल कंप्लीट होने तक पाइपिंग नॉट कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे पूरा बॉल कंप्लीट कवर होने तक का पाइपिंग नॉट जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे टोटल 15 राउंड पाइपिंग नॉट डाल के कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का जो कॉर्ड है उसके नेक्स्ट वाला 4 कॉर्ड लेना है। अब 4 कॉर्ड को लेकर यहाँ पे स्क्वायर नॉट डालना है फ्रेंड्स। पहले हाफ स्क्वायर नॉट डाल के लेना है इस तरह से, उसके बाद ब्लैक कलर कॉर्ड को इस तरह से बीच में से लेना है फ्रेंड्स। बीच का जो 2 कॉर्ड है उसके ऊपर से लेना है, साइड में दोनों कॉर्ड को ऊपर की तरफ लेना है और स्क्वायर नॉट को कंप्लीट करना है। मेरे यहाँ पे 1 स्क्वायर नॉट बन चुका है। स्क्वायर नॉट डालते वक्त बिल्कुल एकदम सा खींचना नहीं है फ्रेंड्स, स्लोली डालना है स्क्वायर नॉट को। उसके बाद नेक्स्ट का 4 कॉर्ड लेना है, फिर से हाफ स्क्वायर नॉट डालना है। हाफ स्क्वायर नॉट डालने के बाद अब यहाँ पे बीच में ब्लैक कलर कॉर्ड को इस तरह से लेना है फ्रेंड्स। बीच का जो 2 येल्लो कलर का कॉर्ड है उसके ऊपर से ब्लैक कलर को लेना है और उसके बाद स्क्वायर नॉट को कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। अगर आप मैक्रमे में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए फ्रेंड्स, इससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाएगा। इसी तरह स्क्वायर नॉट के बीच में ब्लैक कलर कॉर्ड को लेते हुए स्क्वायर नॉट डालते हुए कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, 1 राउंड कंप्लीट करना है। 1 स्क्वायर नॉट के बाद नेक्स्ट का 4 कॉर्ड लेना है और नॉट डालते वक्त बीच में ब्लैक कलर कॉर्ड को लेना है और स्क्वायर नॉट को कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। मेरे यहाँ पे पूरा 1 राउंड स्क्वायर नॉट डाल के कम्प्लीट हो चुका है ब्लैक कलर कॉर्ड को बीच में लेकर। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का जो कॉर्ड है 2 स्क्वायर नॉट के बीच में आ गया फ्रेंड्स। अब ब्लैक कलर कॉर्ड को बीच में रहने दीजिए, उसके साइड में जो 2 स्क्वायर नॉट है उसमें से 2 कॉर्ड लेना है और पहले हाफ स्क्वायर नॉट डालना है। हाफ स्क्वायर नॉट डाल के कम्प्लीट करने के बाद बीच में इस ब्लैक कलर कॉर्ड को इस तरह से लेना है और स्क्वायर नॉट को कम्प्लीट करना है इस तरह से। एक स्क्वायर नॉट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट का 4 कॉर्ड लेना है और फिर से पहले हाफ स्क्वायर नॉट डालना है। हाफ स्क्वायर नॉट डालने के बाद बीच में यहाँ पे ब्लैक कलर कॉर्ड को लेना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से ब्लैक कलर कॉर्ड को बीच का जो येलो कलर का 2 कॉर्ड है उसके ऊपर से लेना है, उसके बाद साइड में जो 2 येलो कलर कॉर्ड है उससे यहाँ पे स्क्वायर नॉट को कंप्लीट करना है। इसी तरह 1 राउंड के बाद 1 राउंड स्क्वायर नॉट डालते हुए कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये नॉट समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर नॉट डालते वक्त नॉट को टाइट ज़रूर करना है, लेकिन बिल्कुल एकदम सा खींचना नहीं है, सिर्फ नॉट को खींचते हुए धीरे से खींचते हुए नॉट को टाइट करना है। नॉट अगर टाइट नहीं हुआ तो ऊपर का हिस्सा जो है बहुत ही लूज हो जाएगा।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे स्क्वायर नॉट जो है 8 राउंड कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे इनफ कर रही हूँ। अब चाहो तो इसे ज़्यादा राउंड भी कर सकते हैं। अब इसे ज़्यादा लंबा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा राउंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लावर पॉट को इस तरह से लेना है और ब्लैक कलर का जो कॉर्ड है उसके दोनों तरफ में, दोनों साइड में से किसी भी एक साइड का 4 कॉर्ड लेना है और सिंपल सा स्क्वायर नॉट डालना है। फ्रेंड्स इस तरह से सिंपल सा स्क्वायर नॉट डालना है। एक नॉट के बाद नेक्स्ट का 4 कॉर्ड लेना है और फिर से स्क्वायर नॉट डालना है। मेरे यहाँ पे 2 नॉट बन चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दोनों नॉट में से 2-2 कॉर्ड लेना है। बीच का देखें साइड में दोनों तरफ से 2-2 कॉर्ड छोड़ देना है और बीच का 4 कॉर्ड लेना है और स्क्वायर नॉट डालना है। यहाँ पे टोटल 3 नॉट बन चुका है। ये पेटल जैसा ट्रायंगल शेप में बन चुका है फ्रेंड्स। इसी तरह नेक्स्ट का इस पेटल को छोड़ देना है और नेक्स्ट का 4 कॉर्ड लेना है, फिर से स्क्वायर नॉट डालना है। एक स्क्वायर नॉट डाल के कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट का 4 कॉर्ड लेना है और फिर से स्क्वायर नॉट डालना है। अब यहाँ पे दोनों स्क्वायर नॉट का बीच का 4 कॉर्ड लेना है, फिर से स्क्वायर नॉट डालना है। ऐसे ही ट्रायंगल शेप देते हुए एक एक पेटल बनाए फ्रेंड्स। टोटल 5 पेटल बन जाएगा। मेरे यहाँ पे 5 पेटल बन चुका है इस तरह से स्क्वायर नॉट डालकर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का फ्लावर बीड्स ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे मटका बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ब्लैक कलर का जो कॉर्ड है उसमें एक ब्लैक कलर का फ्लावर बीड्स डाल के ले रही हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे। बीड्स डालने के बाद उसी ब्लैक कलर कॉर्ड पे नेक्स्ट वाला जो पेटल है उसके कॉर्ड से पाइपिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स पेटल का जो साइड में कॉर्ड है उस ब्लैक कलर कॉर्ड पे पाइपिंग करना है। सिंगल कॉर्ड से ब्लैक कलर कॉर्ड पे 2 टाइम इस तरह से रैप करने से पाइपिंग बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कॉर्ड से भी पाइपिंग करना है। फ्रेंड्स आप इसे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। पेटल एंड होने के बाद आपको ब्लैक कलर कॉर्ड को क्या करना है ये भी देखना है फ्रेंड्स, अदरवाइज आप इसे ठीक से नहीं बना पाओगे। पाइपिंग नॉट टाइट होने से बीड्स जो है नीचे जा सकता है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा खींच के लीजिए इस तरह से और उसके बाद नॉट डालिए फ्रेंड्स। पाइपिंग नॉट डालते वक्त बिल्कुल नॉट को टाइट नहीं करना है, यानी खींच कर नॉट को टाइट नहीं करना है, धीरे से नॉट को टाइट करना है। मेरे यहाँ पे एक पेटल पे पूरा पाइपिंग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से लगेगा। उसके बाद ब्लैक कलर कॉर्ड में और एक बीड्स डालना है इस तरह से। बीड्स डालने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पेटल है उसके कॉर्ड से ब्लैक कलर कॉर्ड पे पाइपिंग करना है। जैसे फर्स्ट वाला पेटल बनाया हमने वैसे ही नेक्स्ट पेटल बनाना है फ्रेंड्स। पाइपिंग नॉट डालते वक्त नॉट को धीरे से खींचकर टाइट करना है, बिल्कुल एकदम सा खींचकर टाइट नहीं करना है, इससे बीड जो है नीचे जाएगा फ्रेंड्स। एक एक पेटल पाइपिंग करने के बाद कंप्लीट करने के बाद बीच में एक एक बीड्स डालना है, फिर से सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है, पूरा पेटल इसी तरह बनाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे टोटल 5 पेटल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ब्लैक कलर कॉर्ड को वैसे ही कट करके जला के अंदर की तरफ पीछे की तरफ लगाया तो पेटल जो है बीच में अलग हो जाएगा, इसीलिए ब्लैक कलर कॉर्ड को नेक्स्ट वाला जो बीड्स है उसके अंदर से लेना है इस तरह से। इस तरह से अंदर से लेने से पेटल जो है अलग नहीं होगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो है कॉर्ड को टाइटली खींचना भी है क्योंकि पेटल जो है लूज़ नहीं होना चाहिए वहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर थोड़ा सा
कॉर्ड को टाइटली खींच के लेना है। और उसके बाद अब यहाँ पे बचा हुआ जो कॉर्ड है, येलो कलर का जो बचा हुआ कॉर्ड है, उसे कट कर देना इस तरह से। ब्लैक कलर का जो बचा हुआ कॉर्ड है उसे भी कट करना है फ्रेंड्स। सभी येलो कलर कॉर्ड को भी इसी तरह कट करके लेना है। कॉर्ड को कट करने के बाद अब यहाँ पे जलाकर पेटल के पीछे की तरफ स्टिक करना है इस तरह से। हर एक कॉर्ड को इसी तरह जलाकर स्टिक करना है पेटल के पीछे की तरफ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बचा हुआ पूरा कॉर्ड कट करके पीछे की तरफ लगाया है। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से लगेगा। मेरा यहाँ पे सुंदर सा फ्लावर पॉट रेडी हो चुका है। आई होप कि आप भी इसे ज़रूर बनाओगे और आपको ये वीडियो पसंद आया भी होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। आप जैसे मैक्रम बनाने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही ईजी है और सिंपल भी है। अगर आप मेरे चैनल पर ऐसे ही नया नया वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।